हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले हम ऋषिकेश घूमने के लिए गए हुए थे, लेकिन जब मैं वापस आई ना, तो मेरी स्किन मुझे बहुत ज्यादा डल दिख रही थी और मुरझाई सी स्किन लग रही थी। मतलब बिल्कुल भी स्किन में ग्लो नहीं था, सॉफ्ट और स्मूथ भी नहीं लग रही थी। स्किन का ग्लो भी ऐसा लगता था कि कहीं पता नहीं चला गया है। और स्किन का जब ग्लो नहीं रहता है ना, तो हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब स्किन ग्लो ना करे। तो ऐसे में वापस आने के बाद मैंने एक ऐसी क्लीनअप किट यूज की, जिससे कि मेरी स्किन का जो खोया हुआ ग्लो था ना, वो वापस आ गया है। आपको खुद भी मेरी स्किन जो है इस टाइम पर काफी स्मूथ सी दिख रही होगी, काफी अच्छी दिख रही होगी। मैंने बहुत ज्यादा मेकअप नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, कॉम्पैक्ट पाउडर, सनस्क्रीन, दैट्स इट। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैंने जब इस किट को यूज किया ना, तो मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा और ये सभी स्किन टाइप वालों को सूट करेगी। तो चलिए ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते, मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ मैं किस अमेजिंग सी क्लीनअप किट की बात कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ अरोमा ट्रेजर्स ऑरेंज क्लीनअप किट की। जी हाँ, ये जब मैंने यूज की ना, तो मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे अमेजिंग लगा, तभी मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें मैं आपको बता दूं, अरोमा के मैंने जितने भी प्रोडक्ट ये यूज किए हैं ना आज की इस वीडियो में, मुझे इस सभी के रिजल्ट बहुत अच्छे लगे हैं। आप रिजल्ट खुद भी देख सकते हो। चलिए फटाफट से मैं आपको ये क्लीनअप कर दिखाती हूँ। घर बैठे ही ना आप बहुत आसानी से क्लीनअप कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर। कहीं आपको पार्लर वाले में जाने की जरूरत नहीं है। भाई मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं पार्लर में जाऊं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पर ही क्लीनअप करूं। और ये अरोमा क्लीनअप किट मैं आज यूज करने वाली हूं, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। और साथ ही मैं दोस्तों यूज करने वाली हूं अरोमा ट्रेजर्स हैप्पी फीट एंड हैंड्स मैनी पेडी किट की। ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, इन सभी के रिजल्ट मुझे अच्छे लगे हैं। सो फ्रेंड्स, ये है अरोमा ट्रेजर्स लेवेंडर फेस वॉश इनहेंस्ड विद ऑयल्स ऑफ लेवेंडर, निरोली, पेटिट ग्रीन एंड रोज वुड। फॉर ऑल स्किन टाइप फेस वॉश है ये। व्हाइट और पर्पल कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आपको मिल जाएगा। शेल्फ लाइफ इसकी 25 तक है। प्राइस की मैं अगर बात करूं, तो ये है 240 रुपीज। जी हाँ, 240 रुपए के प्राइस में आपको ये फेस वॉश मिल जाता है 100 ml की क्वांटिटी में। तो सभी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इंग्रेडिएंट की लिस्ट की मैं अगर बात करूं, तो आप देख सकते हैं डीएम वाटर, सोडियम, और साथ ही इसमें है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ कैमोमाइल, एलोवेरा, लोटस, कैलेंडुला, हिबिकस, बार्ले एंड ब्राह्मी, ब्लू कलर्स, ऑयल्स ऑफ लेवेंडर, निरोली, पेटिट ग्रीन एंड रोज वुड, बेंजिल अल्कोहल, सोडियम बेंजोनेट, पोटेशियम सॉर्बेट। ये सभी चीजें इसमें मौजूद है। सभी इंग्रेडिएंट की लिस्ट आपको मिल जाएगी, कैसे आपने इसे यूज करना है ये चीजें भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। जब भी आप कोई नई चीज यूज करते हैं, नया प्रोडक्ट यूज करते हैं, खासतौर से स्किन से रिलेटेड, तो आपको पैच टेस्ट जरूर कर देखना चाहिए। और साथ ही उसके ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो भी जरूर फॉलो कीजिएगा, वो भी अच्छे से रीड जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ मैं आपको। पैकेजिंग ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर की प्लास्टिक बॉटल में आपको मिल जाएगी, पंप स्टाइल बॉटल है, और इसके साथ आपको कैप भी दी गई है। अच्छे से ये लॉक हो जाती है, आसानी से आप इसे अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हैं। यही सभी चीजें यहाँ पर भी मेंशन की गई हैं। और ये जेल फेस वॉश है, फॉर्मिंग फेस वॉश नहीं है, ये जेल फेस वॉश है। साथ ही फ्रेंड्स, ये है अरोमा ऑरेंज क्लीनअप किट और मैं इसे यूज करने वाली हूँ। पैकेजिंग आप देख सकते हो, इसे देखकर ही ना काफी मतलब फ्रेश फीलिंग आती है काफी। और इसकी जो इस तरीके से पैकेजिंग है ना, ऑरेंज कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसके ऊपर सभी चीजें मेंशन की गई हैं और सभी स्टेप भी यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए गए हैं कि कैसे आपने इसे यूज करना है। तो चलिए मैं इस क्लीनअप किट को यूज करती हूँ और देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा है। मैं इसे यूज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। पैकेजिंग तो आपने देखी ली है दोस्तों, चलिए फटाफट से मैं इसे यूज कर भी दिखाती हूँ, रिजल्ट आप खुद देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अरोमा ट्रेजर्स का एक लेवेंडर फेस वॉश यूज करने जा रही हूँ। अभी आपको थोड़ा सा स्किन में ऑयल भी दिख रहा होगा, और वैसे भी हमें ना गर्मियों में दिन में 2 बार फेस वॉश जरूर करना चाहिए। इससे आपके चेहरे पर जितनी भी गंदगी मौजूद होती है या जितना भी एक्सेस ऑयल होता है, वो रिमूव हो जाता है और गंदगी को भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। सभी स्किन टाइप वालों को ये सूट करेगा। ये फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही ऑसम है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। जैसे लेवेंडर की खुशबू होती है, बस वैसी ही इसकी फ्रेग्रेंस है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। नेक्स्ट मैं कर रही हूँ क्लीनअप। तो स्टेप 1 है द ट्रॉपिकल स्पा ऑरेंज जेल। जी हाँ, ये स्टेप 1 है, ऑरेंज जेल है इसमें, इससे हमने अपने फेस पर मसाज करनी है।
तो आप देख सकते हो ये जेल क्लिंजर है, ये विटामिन सी क्लिंजर है। इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जैसा कि आपने देखा कि ये अरोमा विटामिन सी क्लीनअप किट है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। और जैसे ऑरेंज की खुशबू होती है वैसी ही इसकी फ्रेग्रेंस है। बस आपने 2 से 3 मिनट तक इससे अपने फेस पर मसाज करनी है और मिनटों में आपका क्लीनअप जो है वो हो जाएगा। घर बैठे ही आप क्लीनअप कर सकते हैं इस किट की हेल्प से। इसके बाद मैं यहाँ पर सेकंड स्टेप में स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। इसमें आपको स्क्रब के पार्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे और खुशबू सभी की बहुत ही अच्छी है। बस आपने 2-3 मिनट तक इससे मसाज करनी है, जितने भी ब्लैक एंड वाइट हेड्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो आप देख सकती हो स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लग रही है सिर्फ 2 ही स्टेप्स में। और स्टेप 3 है यहाँ पर द ट्रॉपिकल स्पा ऑरेंज क्रीम। तो अब हम क्रीम से मसाज करेंगे अपने फेस पर। बस इस क्रीम की हेल्प से आपने 3 से 4 मिनट तक अपने फेस पर अच्छे से मसाज करनी है। आपको सिर्फ ना मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगने हैं इस क्लीनअप को करने में। मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर करती हूँ क्लीनअप। इससे स्किन बहुत अच्छी बनी रहती है, स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, स्किन सॉफ्ट और स्मूथ बनती है। जितनी गंदगी होती है उससे भी अच्छे से क्लीन कर देता है। अब बारी है 4 स्टेप की, और 4 स्टेप में हम लगाने जा रहे हैं द ट्रॉपिकल स्पा ऑरेंज मास्क। जी हाँ, मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ मास्क। अब मैं यहाँ पर लगाने जा रही हूँ मास्क। इस मास्क को आपने सिर्फ 5 से 10 मिनट लगा के रखना है। अच्छे से नेक एरिया पर भी लगा लीजिए, आपकी मर्जी है आप लगा सकते हैं। और इस तरीके से पूरे फेस पर अच्छे से लगा लीजिए और 10 से 5 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा। बस उसके बाद स्पॉन्ज की हल्की से क्लीन कर दीजिए और इसके बाद आपने कोई भी फेस वॉश वगैरह या सोप का इस्तेमाल नहीं करना है। मास्क लगाना तो बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है और वैसे भी क्लीनअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आपकी त्वचा भी क्लीन हो जाती है अच्छे से। और मेरे पास ना इतना समय नहीं होता है कि मैं हमेशा पार्लर में जाके क्लीनअप करवाऊँ। मैं घर बैठे ही क्लीनअप कर लेती हूँ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। तो इसमें भी आप किट की हेल्प से ना बहुत ही आसानी से घर बैठे आप क्लीनअप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ग्लो आता है स्किन में, स्किन सॉफ्ट और स्मूथ बनती है। जितनी गंदगी होती है ना वो भी अच्छे से क्लीन हो जाती है और आपको एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और अभी समर आ गई है तो अपनी स्किन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आया है स्किन में। अब मैं करने जा रही हूँ पैडी मैनी क्योर। तो फेस क्लीनअप तो मेरा हो चुका है, अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर फीट एंड हैंड्स की। जी हाँ, ये है अरोमा हैप्पी फीट एंड हैंड्स मैनी पैडी किट। इसकी पैकेजिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी है और समर के हिसाब से जो इसकी पैकेजिंग दी गई है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद आई है। ये ग्रीन कलर ना बहुत अच्छा लग रहा है सच में। और यहाँ पर भी सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि कैसे अपने से यूज़ करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये देखिए कैसे अपने से यूज़ करना है, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो चलिए और इसकी पैकेजिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पैकेजिंग आप देख सकते हो, ओपन करने के बाद इस तरीके से ये सैशे में दिए गए हैं। और चलिए मैं इसे फटाफट से यूज़ करती हूँ और इसका रिजल्ट आप खुद ही देख लीजिएगा। और सबसे पहला जो स्टेप है आप देख सकते हैं क्यूटिकल क्रीम से मसाज करना है। इसमें आपने थोड़ा सा पानी लगाते हुए अच्छे से अपने नेल्स पर जो क्यूटिकल्स होते हैं उस पर मसाज कर लीजिए। हाथों और पैरों के दोनों के नेल्स पर अच्छे से मसाज कर लीजिए। 3 से 4 मिनट कीजिएगा खूब अच्छे से। इससे आपके नाखूनों में चमक भी आ जाएगी, नाखून जो है मजबूत बनते हैं और जितने भी क्यूटिकल्स की प्रॉब्लम होती है वो दूर करती है ये क्रीम। काफ़ी अच्छी लगी मुझे। बस आपने इस तरीके से मसाज कर लेनी है, उसके बाद क्लीन कर लीजिए। सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हो लेवेंडर सॉल्ट स्क्रब है। इसे पानी में अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है या फिर हाथों पर लेकर भी आप स्क्रबिंग करते हुए इसे लगा सकते हो। तो इस तरीके से बस मैंने इसे डाल लिया था पानी में और थोड़ा सा हाथों पर लेकर मैंने इसे मसाज की थी अपने पैरों की। सिर्फ 3 से 4 मिनट ही मसाज करनी है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं जाता है और कम समय में ना आपके हाथों और पैरों की सफाई हो जाती है, फेस की सफाई हो जाती है। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है क्लीनअप किट। इसके बाद लेमन ट्री फुट वॉश आपने यूज़ करना है, ये भी बहुत अच्छा लगा है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, काफ़ी रिफ्रेशिंग है, सभी की खुशबू ना बहुत ही अच्छी है। बस आपने इसे भी इस तरीके से लगाते हुए अच्छे से मसाज कर लीजिए और उसके बाद नॉर्मल पानी की हेल्प से वॉश कर लीजिए ये। और वैसे भी हमें अपने हाथों और पैरों की सफाई पर ना बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फंगस वगैरह और इन्फेक्शन का डर रहता है हाथों और पैरों की त्वचा पर भी और बदबू आती है। इसके बाद मैं यहाँ पर फुट स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो ये स्क्रब भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें जितने भी पैरों में गंदगी होती है, हाथों में गंदगी होती है ना, वो अच्छे से डीप क्लींस करता है, गंदगी को रिमूव करता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि बर्तन साफ़ कर करके ना हाथों में बहुत ज़्यादा डेड स्किन जमा हो जाती है, तो अच्छे से क्लीन कर देता है ये। इसके बाद मैं यहाँ पर ये क्रीम से मसाज कर लूँगी अपने हाथों और पैरों की और बहुत ही कम समय में ना आप ये क्लीनअप कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो भी घर बैठे, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं हर बार पार्लर में जाके ये सब कुछ करूँ। और फ़र्क ना आप खुद भी देखेंगे एंड मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर फुट मास्क लगा लूँगी। बस इसे भी आपने 5-7 मिनट लगा कर रखना है और जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद इसे रिमूव कर लीजिए स्पॉन्ज की हेल्प से इस तरीके से। बस ये देखिए, सो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने मैनीक्योर पेडीक्योर कर लिया है, बहुत ही अच्छी लग रही है मेरी स्किन, सॉफ्ट और स्मूथ लग रही है मेरे हाथ और पैर।
और आप भी इस एरोमा पैडी मैनी किट को जरूर यूज कर देखेगा। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। हैंड पर मैंने नेल पेंट लगा लिया था, ये गोल्डन कलर का मैंने नेल पेंट लगाया हुआ है, पैरों पर अभी नेल पेंट नहीं लगाया है मैंने। और स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लग रही है। इसने जितनी भी गंदगी थी पैरों पर और हाथों पर बहुत अच्छे से क्लीन किया है। आप भी जब ये पेडिक्योर या मैनिक्योर करवाते हैं ना, तो उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर जरूर लगा लीजिएगा, ताकि आपकी स्किन में नमी बनी रहे। तो ये देखिए, इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही औसम लगा है। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर स्किन केयर और हेयर केयर के और भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा, चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल बटन इसे प्रेस कर देना। दोस्तों, यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉच पर भी। मैं आपसे मिलती हूं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।